हमारी सनातन संस्कृति में ऐसे बहुत से महर्षि हुए हैं जो देवताओं, मनुष्यों और असुरों द्वारा सदैव पूजित रहे हैं, जिनकी ख्याति महान है। आज हम उन्हीं के विषय में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अजय, यह है ज्ञान का चक्र और आप सभी देख रहे हैं सप्तचक्र। महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास असल में किसी महर्षि का नाम नहीं है, अभी तो यह एक पद है। इस समय के वेदव्यास ऋषि पाराशर के पुत्र श्री कृष्ण द्वैपायन हैं, जो महाभारत के रचयिता हैं। विष्णु पुराण के अनुसार स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु ने ही इनके रूप में जन्म लिया था। समाज के हित हेतु इन्होंने ही वेदों को चार भागों में विभाजित किया था। इन्होंने महाभारत में जब अश्वत्थामा और अर्जुन के द्वारा ब्रह्म शेर अस्त्र छोड़ा गया था, उस समय इन्होंने उन दोनों अस्त्रों को रोक लिया था एवं अर्जुन और अश्वत्थामा से अस्त्र वापस लेने के लिए कहा था। इस घटना से इनकी महान असीमित शक्ति का अनुमान होता है। यह भूत और भविष्य को देखने में सक्षम थे। इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि इन्होंने पांडवों और देवी द्रौपदी की पूर्व जन्म के बारे में द्रुपद को बता दिया था और इन्होंने ही माता सत्यवती को भविष्य में होने वाले नरसंहार के बारे में संकेत दिए थे। महर्षि वशिष्ठ। ये ब्रह्म ऋषि में से एक हैं। इन्हें संपूर्ण यज्ञ मंत्र विद्या का ज्ञान है। ये पितामह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। देवता इनके ऊपर अपनी श्रद्धा रखते हैं और ये इक्ष्वाकु वंश के गुरु भी रहे हैं। जब विश्वामित्र ने इनके ऊपर अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र छोड़े थे, तब इन्होंने अपनी ब्रह्म ऊर्जा को एक छड़ी में डाल दिया था और उसके द्वारा विश्वामित्र के सभी अस्त्रों को निष्फल कर दिया था। ऋग्वेद के बहुत से मंत्र इनके द्वारा रचित हैं और इन्होंने ही सप्तमंडल की रचना की है। यह राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के भी गुरु रहे हैं। इन्होंने ही श्री राम के वनवास काल से वापस आने के पश्चात उन्हें अयोध्या का राजा बनाया था और इनकी देखरेख में राम राज्य की स्थापना हुई। महर्षि विश्वामित्र। यह जन्म से क्षत्रिय थे, परंतु इन्होंने हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया था। इसके पीछे का कारण इनका और महर्षि वशिष्ठ का विवाद था। जब यह क्षत्रिय थे, उस समय ये कामधेनु को प्राप्त करना चाहते थे, परंतु ऋषि वशिष्ठ ने इन्हें कामधेनु प्रदान नहीं की। उन्होंने इसके पश्चात ऋषि वशिष्ठ से युद्ध छेड़ दिया, परंतु कामधेनु ने अपनी देवी शक्ति से बहुत से सैनिकों को प्रकट करके विश्वामित्र की सारी सेना को परास्त कर दिया, जिसके पश्चात इन्होंने महादेव की कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया एवं उनसे संसार के समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तदांतर इन्होंने फिर से महर्षि वशिष्ठ पर आक्रमण कर दिया, परंतु महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्म दंड से महर्षि विश्वामित्र के समस्त अस्त्रों का निवारण कर लिया। अपनी पराजय के पश्चात इन्होंने फिर से घोर तपस्या प्रारंभ कर दी, परंतु देवराज इंद्र ने मेनका की सहायता से इनकी तपस्या को भंग कर दिया। यह मेनका के साथ 10 सालों तक रहे, परंतु जैसे ही इन्हें पता चला कि मेनका इनकी तपस्या भंग करने आई है, तो इन्होंने फिर से तपस्या आरंभ कर दी। इंद्र ने इनकी तपस्या भंग करने का बहुत प्रयास किया, परंतु अब वह हर बार असफल हुए। यह समानांतर ब्रह्मांड बनाना चाहते थे, जिसके कारण समस्त देवता इनसे भयभीत रहते थे। आखिरकार भगवान ब्रह्मदेव के निवेदन पर इन्होंने समानांतर ब्रह्मांड बनाने का विचार छोड़ दिया। इनके महान तप के कारण अंत में यह ब्रह्म ऋषि कहलाए। महर्षि दुर्वासा। ये ऋषि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र हैं। ये बहुत ही जल्दी क्रोधित होने वाले महर्षि हैं, परंतु क्रोधी स्वभाव के होने के पश्चात भी ये बहुत क्षमावान और दयालु हैं। इनके क्रोधी स्वभाव होने के कारण इन्होंने बहुत से लोगों को श्राप दिया है। इन्होंने ही महाभारत में कुंती को देव वशीकरण मंत्र दिया था, जिसके कारण कुंती ने 4 पुत्रों को और माद्री ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था। इनके बिना महाभारत अधूरी है। इन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन है। इस बात से हम यह पता लगा सकते हैं कि कुंती ने इन्हें प्रसन्न करने हेतु कितना कठिन परिश्रम किया हो। महर्षि शुक्राचार्य। महाभारत के अनुसार यह देवता और दानवों के गुरु हैं। यह असुरराज विश्वप्रवन के राज्य में रहते थे। इनकी पुत्री का नाम देवयानी था, जो इन्हें बहुत प्रिय थी। इनके पास संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जिससे यह देवर्षि संग्राम में असुरों को पुनः जीवित कर देते थे। इस विद्या का ज्ञान स्वयं देवगुरु बृहस्पति को भी नहीं था। इस विद्या का ज्ञान लेने के लिए उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा था।
देवगुरु के पुत्र होने के पश्चात भी इन्होंने कच्छ को अपना शिष्य बना लिया था। समस्त असुर कच्छ को मारने का निरंतर प्रयास करते थे, परंतु देवयानी के निवेदन करने पर वह कच्छ को पुनः जीवित कर देते थे। यह महर्षि भृगु और देवी काव्या के पुत्र हैं। यह भगवान ब्रह्मदेव की भी पौत्र हैं, क्योंकि उनके पिता महर्षि भृगु स्वयं ब्रह्मदेव के पुत्र हैं। महर्षि भारद्वाज ये ऋग्वेद के छठवें मंडल के रचयिता हैं, जिसमें कुल 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में 23 मंत्रों की रचना इन्होंने ही की है। इन्हें विज्ञान के विषय में उत्तम ज्ञान था, जिसके कारण इन्होंने देवराज इंद्र की सहायता से अग्नि में से अमृत को उत्पन्न कर दिया था। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार इन्हें धनुर्वेद के बारे में बहुत ज्ञान था और इन्होंने इसका प्रचार प्रसार भी किया था। इन्हें आयुर्वेद का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। महर्षि अगस्त ये महर्षि वशिष्ठ के बड़े भाई हैं। यह इस मन्वंतर के सप्तऋषियों में से एक हैं। समस्त दानव समुद्र में जब छिप गए थे, तब देवराज इंद्र ने देवताओं सहित इनसे सहायता मांगी थी। देवों की सहायता के लिए इन्होंने समुद्र का संपूर्ण जल पी लिया था, जिसके कारण देवताओं ने बहुत आसानी से समस्त असुरों का विनाश कर दिया था। महाभारत के अनुसार इन्होंने ही इलवल और वतापी का वध किया था। रामायण में वनवास काल के दौरान श्री राम जी इनसे इनके आश्रम में मिले थे। इन्होंने ही श्री राम को विशेष ब्रह्मास्त्र प्रदान किया था, जिसकी सहायता से श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। इन्होंने मानव कल्याण हेतु बहुत से कार्य किए हैं। सनातन संस्कृति में ऐसे और भी महर्षियों के बारे में वर्णित हैं, जिनकी कथाएं महान हैं, परंतु हमारे पास जितनी जानकारी हो सकी हमने उतनी ही जानकारी आपके सामने रख दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और फिर से मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया अपने ग्रंथों को पढ़ें, ना कि अपनी संस्कृतियों के बारे में इधर उधर से ज्ञान लें।